जिंदगी में जब भी आप काम करते हैं तो समस्या आती है, और जब समस्या आती है तो आपके मन में सवाल जरूर बनेगा कि आप क्या करें। और जब भी सवाल मन में आता है कि आप क्या करें, तो कुछ नया नहीं करना है, बस सोचना है कि आप जो काम कर रहे हैं उसी पे गौर करना है, उसको ऐसे समझो। एक व्यक्ति आंखों पर पट्टी बांध लेता है और चलता है, उसको क्या होगा? जब वो व्यक्ति चलेगा तो उसको ठोकने लगेगी, दाएं चलेगा, बाएं चलेगा, ऊपर चलेगा, नीचे चलेगा, कहीं भी चलेगा, ठोकने लगेगी। अब वो बाएं चल रहा था, अब उसने पूछा कि अब मैं क्या करूं, ठोकने लग रही है, हमने बोला दाएं चल, अब वो दाएं चला। तो पहले काम और नए काम में परिवर्तन हुआ क्या? कर्म क्या हुआ? वही है, ठोकरे खाना। जब भी मन में सवाल आता है कि अब क्या करूं, तो आपको रुकना है और पूछना है कि मेरे से गलती कहां हो रही है। जब इसके मन में आता है कि अब ठोकरे खाना बंद कैसे होगा, तो खुद ही हाथ जाता है पट्टी पे और पट्टी निकल जाती है आंखों से। अब जो नया होगा वो नया होगा, अब ठोकरे खाना बंद हो जाएगा। अभी तक वो ठोकरे खा रहा था, ठोकरे खाना बंद हो जाएगा, नया परिवर्तन होगा। जब भी मन में ये बात आती है कि अब क्या करूं, तो लालच में मत पड़िएगा, तो रुकिएगा, सोचिएगा और उसको आप नए तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करिएगा। समस्या व्यक्ति में है, यदि समस्या से आप भागोगे तो समस्या आपके साथ है, जहां भागोगे वहीं समस्या जाएगी, तो परिवर्तन कहां हुआ? समस्या आपके साथ है क्योंकि समस्या तो आप ही है, इसलिए जब भी समस्या आए तो आपको भागना नहीं है। समस्या का समाधान एक ही तरीका है कि आप जहां हैं वहीं रहिए, और समस्या का समाधान के लिए जो काम कर रहे हैं उस काम पे थोड़ा गौर करिए। एक बार समस्या समाधान हो जाएगी, जिंदगी में समस्या उस काम के लिए कभी नहीं आएगी। यदि आप भाग के दूसरे स्थान पे जाओगे, उस स्थान पे भी समस्या बनेगी, फिर वही सोचोगे कि अब क्या करूं। इसलिए जो काम कर रहे हैं उसी पे गौर करिए, उसी काम को अच्छे से करिए, बार बार करिए। एक बार फेल होंगे, दो बार फेल होंगे, तीन बार असफल होंगे, लेकिन फाइनली आप सफल हो जाओगे। आपको नया अनुभव मिलेगा और उस काम में आप इतने माहिर हो जाएंगे कि वह काम दोबारा आपसे गलत नहीं होगा। इसलिए समस्या आए तो भटकिए मत, समस्या का समाधान आप ही है। समस्या की समस्या भी आप ही है और समाधान भी आप ही है। समस्या का समाधान यदि रुक करके कर लिया, समस्या सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि भाग के किया, समस्या साथ में जाएगी, वहां भी आपके पीछे समस्या नहीं छोड़ने वाली है, समस्या हमेशा बनी रहेगी। इसलिए समस्या का समाधान आप में है, सोच करके, और समस्या का समाधान निकालिए।